ओके, वेलकम टू मूवी फायर। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पहली मूवी के बारे में, जो कि हमारे लेजेंडरी और रेवोल्यूशनरी जॉर्ज मिलियर्स ने लिखी है। और इन्हीं चीज़ों में उनके पैशन की वजह से उनको द फादर ऑफ वीएफएक्स भी कहा जाता है। मगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हर साल में एक मंथ होता है और हर मंथ में एक वीक होता है, और उस वीक के सैटरडे वाले दिन हमारा सैटरडे ओरिजिनल जाता है। कितना ओरिजिनल नाम है मैंने सोचा है। ओके, मेरे गंदे जोक असाइड, इस हफ्ते का जो सैटरडे ओरिजिनल है उसका टॉपिक बहुत गर्म है, तो आप उस सैटरडे ओरिजिनल को हफ्ते वाले दिन देखना मत भूलें। और अगर आपको बाय चांस नहीं पता कि सैटरडे ओरिजिनल्स क्या है, ओके सबको ही नहीं पता वो क्या है, तो आप मेरी पिछली वीडियो जो चैनल पे पड़ी है वो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अब बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। हम दुनिया की सबसे पहली मूवी जिसका नाम है अ ट्रिप टू द मून, उस पे बात करने से पहले उसके पिछले सारे सीनेरियोस पे बात कर लेते हैं, ताकि आपको मूवी का कॉन्टेक्स्ट समझ आए। लेकिन हमें 1902 की इस मूवी से थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। रिवाइंड, हम जा रहे हैं 1826। तब तक कोई पिक्चर खींची नहीं गई थी, लेकिन हमारे निसेफोर्निया, मैं इनका नाम प्रोनाउंस ही कहूंगा, बड़ा मुश्किल है, उन्होंने दुनिया की सबसे पहली पिक्चर एक कैमरे के जरिए खींची और उन्होंने अपना नाम हमारी वीडियो में दर्ज कराया। ओके, उन्होंने दुनिया की सबसे पहले जो पिक्चर खींची वो आप देख सकते हैं वो वीडियो में। लेकिन आप कहेंगे इसका तल्लुक वीडियो से क्या है, इसका तल्लुक वीडियो से ही है। लेकिन हमें थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आगे जाना होगा 1878 के अंदर। वहाँ पर आपको पता है कि वीडियो कैसे बनी होगी। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो बनाने के लिए काफी साइंटिस्ट आइंस्टाइन न्यूटन इकट्ठे हुए होंगे, लेकिन नहीं, एक वीडियो बड़े अजीब और स्टूपिड तरीके से बनी थी, दुनिया की सबसे पहली वीडियो। इसको बनने की रीजन है एक बैट लगी थी कुछ लोगों के दरमियान कि क्या घोड़े के चारों पांव उसकी भागते वक्त हवा में होते हैं या दो हवा में होते हैं, दो नहीं। तो इसके लिए उन्होंने स्पेशल एडवर्ड मेब्रिज को बुलाया, जिन्होंने इतने सारे कैमरों के जरिए भागते हुए घोड़े की तस्वीर खींची और पता लगाया उसके टांगे हवा में होती है। और ऐसे दुनिया की सबसे पहली वीडियो एक घोड़े के भागने पे थी। वैसे हम इतने ज्यादा फ्यूचर में है, लेकिन फिर भी हम में और 18th सेंचुरी के लोगों में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वो घोड़े की वीडियो देख रहे थे और आजकल हम गधों की देखते हैं। ओके, मेरे फिर एक गंदा जोक, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहली वीडियो खींची गई, लेकिन आप उसको वीडियो तो कह नहीं सकते क्योंकि वो तो पिक्चर्स बाय बाय थी, लेकिन उसके बाद कैमरे को ईजाद कर लिया गया। और 1888 के अंदर लुइस ले प्रिंस ने दुनिया की सबसे पहली वीडियो रिकॉर्ड की, जिसका नाम दिया गया राउंड हे गार्डन सीन, जो कि सिर्फ 2 सेकंड का है। अगर आप झपकोगे अब मिस कर दोगे, वो आपके अटेंशन स्पैम से भी कम है। लेकिन अगर हम इसको भी मूवी की कैटेगराइज में नहीं कर सकते क्योंकि ये तो वीडियो है, लेकिन लुइस ले प्रिंस ने और भी बहुत ज्यादा मूवीज बनाई जो कि 15 सेकंड 16 सेकंड की थी, जैसे एक ट्रेन का आना जाना, एक गार्डन की, जिनको वो कहते थे कि ये मेरी शॉर्ट फिल्म्स हैं मेरे मुताबिक, लेकिन ये भी मूवी नहीं कह सकते। लेकिन जब हमारे रेवोल्यूशनरी जॉर्ज मिलियर्स को इस टेक्नोलॉजी का पता लगा, वो एक मैजिशियन थे, तो उन्हें पता लगा कि इस वीडियो कैमरा की मदद से वो अपने मैजिक ट्रिक्स को कितनी अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन्होंने इसको खरीदा और उन्होंने अपनी मूवी बनाने का सोचा। और इससे उनके दिमाग में आइडिया आया दुनिया की सबसे पहली फिल्म बनाने का, वो भी एक साइंस फिक्शन। तो उन्होंने दुनिया की सबसे पहली साइंस फिक्शन और बल्कि दुनिया की पहली फिल्म भी बनाई, जिसका नाम था अ ट्रिप टू द मून। और ये मूवी बहुत कमाल की थी। इस मूवी ने लोगों का तब के टाइम पे वीएफएक्स को देखने का नजरिया ही चेंज कर दिया था। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जॉर्ज मिलियर्स को द फादर ऑफ वीएफएक्स क्यों कहा जाता है। इस मूवी के मैं प्लॉट के बारे में बात करता हूँ। ये मूवी का प्लॉट था कि कुछ एस्ट्रोनॉमर्स प्लान बना रहे होते हैं कि वो चांद पे जाएंगे, और वो चांद पे जाने के लिए एक बुलेट जैसी शिप बनाते हैं, जिसको एक बंदूक जैसी तोप पे डाल के चांद की आंख फोड़ देते हैं, और उधर वो बिना किसी सूट और हेलमेट के चांद पे आराम से घूमते हैं और उधर के एलियन बंदों को फोड़ते हैं और वापस दुनिया पे आके मेडल जीतते हैं। लेकिन जितना मैं उसको फनी तरीके से बता रहा हूँ, तब के टाइम पे ये 15 मिनट की मूवी है, तो तब के टाइम पे जो 15-16 सेकंड की मूवीज थी ये उनके लिहाज से बहुत लंबी है। मुझे पता है हमारी मूवीज के आगे तो कुछ भी नहीं है। द बैटमैन मूवी 3 घंटे की है, स्नाइडर कट 4 घंटे की है, तो इस मूवी के सामने तो कुछ नहीं है, लेकिन तब के टाइम पे वो बहुत बिग डील थी। तो इसी मूवी को हम कह सकते हैं जो कि एक प्रॉपर मूवी थी, और ये मूवी बहुत कमाल की थी। लेकिन देखिए टाइम कितनी जल्दी पास हुआ। अभी कहाँ पे 100 साल पहले दुनिया की पहली मूवी बन रही थी 1902 में, और आज 120 साल बाद हम वीएफएक्स से क्या कुछ नहीं कर पाते हैं, और वीएफएक्स से क्या मिसालें, अवतार, इतनी मूवीज हैं। लेकिन देखिए टाइम को गुजरने में वक्त नहीं लगता। ओह क्या बकवास की बात की मैंने। लेकिन फिर भी एक लम्हे में आप इधर होते हैं, एक लम्हे में इधर, तो अपने लम्हों की कदर करें और मुझे जाने की इजाजत दें। और कमेंट्स में अगर आप तारीफ करेंगे तो अच्छा है, और अगर गालियां देंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ता। और एक स्पेशल बात, ये मूवी देखने के लिए आपको कोई नेटफ्लिक्स और प्राइम का सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है,
आप ये फ्री में देख सकते हैं। YouTube मेरा चैनल अनमोनेटाइज तो नहीं ना कर देगी? वो तो वैसे ही मोनेटाइज नहीं है।